थाना शमशाबाद पुलिस ने एटीएम में हेराफेरी और पिन कोड बदलकर अकाउंट से नकदी निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 1 लाख से अधिक की नकदी और एटीएम बरामद हुए हैं। शातिरों से पूछताछ में कई घटनाओं का राज का खुलासा उन्होंने किया है। धोखाधड़ी कर एटीएम से रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्य शमशाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। शातिर एटीएम के बाहर खड़े होकर एटीएम निकाल रहे लोगों के पिन नंबर देख लेते थे, इसके बाद मदद या किसी बहाने से एटीएम बदलकर पैसे निकाल लेते थे। इस तरह की शिकायत मिलने पर पुलिस ने गैंग पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस कर्मियों को एटीएम के आसपास गैंग के सदस्यों पर नजर रखने के लिए लगाया गया। इसी बीच शमशाबाद पुलिस ने एटीएम के बाहर खड़े संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। एक अंतर्राज्यीय गैंग शमशाबाद से पकड़ा गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, संजय राठौर के पुत्र स्वर्गीय मोहर सिंह है, दूसरे हैं प्रेम राठौर पुत्र जयपाल राठौर। ये लोग चोरी छुपके से लोगों के एटीएम कार्ड का पिन देख लेते थे और उसके बाद उसे पैसे निकाल लेते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े मखनपुर फिरोजाबाद के गांव साडूपुर के रहने वाले संजय राठौर, इटौरा मटसेना फिरोजाबाद के रहने वाले प्रेम राठौर के कब्जे से 1 लाख से अधिक की रकम और 7 एटीएम बरामद हुए। पूछताछ करने पर बदमाशों ने एटीएम से पैसे निकालने की कई घटनाओं का इकबाल किया है। 12/6 को एक घटना हुई थी शमशाबाद में, उसमें एक व्यक्ति के एटीएम को देख करके उसे पिन निकाल लिया। इनके पास से हम लोगों ने 1,02,000 रुपये और 7 अदद एटीएम बरामद किए हैं। संजय राठौर पे इसके पहले भी चोरी आदि के 12 मुकदमे हैं और प्रेम राठौर पे 11 मुकदमे पहले भी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की भी देखरेख उस पर की जाएगी। शमशाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े संजय राठौर और प्रेम राठौर आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। काफी समय से एटीएम से पैसे निकालने का कार्य करते चले आ रहे थे। फतेहाबाद शमशाबाद बाईपास पर वारदात की फिराक में खड़े थे, उसी समय संदिग्ध दिखने पर दोनों को दबोच लिया गया। संजय और प्रेम कई बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।